कोई भी इंसान कैसे पता कर सकता है कि उसको अचानक से जो अटैक हुआ है वो अस्थमा का है, हार्ट का है या फिर एसिडिटी की वजह से पेन है? इन तीनों में वो कैसे अंतर कर सकता है? देखिए, इसमें अंतर करना कभी कभी मुश्किल होगा। ब्रेथलेसनेस होगी, वीजिंग साउंड आएगा, जैसे सीटी बजाने वाली साउंड है वैसा आएगा, और ये बना रहेगा। कई बार तो एलर्जिक रिएक्शन से भी आता है, टेम्पररी फेज के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब किसी एक खाने से, जैसे कुछ लोगों को नट से होता है, मूंगफली से होता है, कुछ लोगों को प्रॉन जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है उसके खाने से होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन से भी होता है, दवाइयों से भी कभी कभी होता है। तो वो चीज जब हट जाएगी तो धीरे धीरे बॉडी अपने आप को रिकवर कर देता है। तो अदरवाइज कॉन्स्टेंटली वीजिंग साउंड अगर आता है और कॉन्स्टेंटली ब्रेथलेसनेस रहती है तो ये अस्थमा की एक क्लियर कट निशानी है। इसमें ज्यादा फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही समझ आ जाएगा इससे। क्या अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है या फिर कोई एक सर्टेन उम्र होती है कि इसी उम्र में आपको अस्थमा होगा? देखिए, ट्रेडिशनली बोले तो अगर हम अपने हिस्ट्री को देखें तो किसी भी उम्र में ना होके सिर्फ एक, जैसे उम्र बढ़ती है 40 के बाद 50 के बाद तब अस्थमा होता है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट धीरे धीरे कमजोर होते हैं। किसी को चश्मा लग जाता है, किसी को सुनाई कम देगा, किसी के बाल गंजा हो जाएगा, तो ये सब उम्र की निशानी है। तो उम्र से भी अस्थमा होता है। और जिन लोग जो लोग प्रोन है जेनेटिकली तो वो लोग, उन लोगों का अस्थमा हो सकता है, लेकिन वो 50 साल 60 साल तक अस्थमेटिक होंगे। लेकिन बच्चों में भी होता है, बच्चों में ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से अस्थमा हो सकता है या होता है। तो वो आजकल ज्यादा हो गया, जब से ये फास्ट फूड ज्यादा आया है, जब से ये फॉर्मूला मिल्क ज्यादा आया है, तो ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉकटेल है, बच्चों में बहुत ही फ्रीक्वेंटली अस्थमेटिक चिल्ड्रन वो पाए जाते हैं। तो आजकल की बात करें तो कोई उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों, जिस तरह से डायबिटीज भी 2 साल के बच्चों में भी होता है, टाइप 1 जिसे बोलते हैं, ठीक उसी तरह से अस्थमा भी छोटे बच्चों में आजकल होता ही है। बड़ों में ज्यादा होता है, छोटों में भी होता है। अगर किसी को अचानक से अस्थमा का अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए जिससे उसे तुरंत आराम मिले? देखिए, तुरंत आराम मिलने का तो वही तरीका है इमरजेंसी में जो इनहेलर लेते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन इस तरह की नौबत ना आए उसके लिए उन लोगों को अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट पूरी तरह बदलना होगा। जो DIP डाइट, आपके भी चैनल में पहले भी मैंने आपको बताया है कि 12 बजे तक आपको फल खाना है, 3 से 4 तरह के, उनमें से एक फल आप ले लीजिए सिट्रस फ्रूट, मौसम्बी, पाइनएप्पल, अभी तो ऑरेंज भी आ रहे हैं, और पेट भर के खाइए 700-800 ग्राम। और लंच और डिनर से पहले आप ढेर सारा सलाद खा लीजिए 400-500 ग्राम, और एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड ये सब छोड़ दीजिए। और दो चीज और जोड़ लीजिए, नीम लीजिए, नीम के पत्ते लीजिए 5-6 ग्राम, उसको कूट लीजिए थोड़ा सा, उसको आप 200 ml पानी में उबालिए जब तक कि वो 100 ml का ना रह जाए, फिर उसको छान के वो पानी रोज पीजिए 6 महीने तक। और साथ में एक आखिरी चीज, हल्दी का पाउडर लीजिए 1 चम्मच और गर्म पानी में मिलाइए और उसको चाय की तरह पी लीजिए 1 कप, राइट? तो ये डाइट और धूप में बैठना आधे घंटे और ये हल्दी का पानी और ये नीम का पानी, ऐसा अगर आप 6 महीने से 9 महीने कर लेंगे तो मैंने तो नहीं देखा जिसको फायदा नहीं हुआ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।